इकोनॉमिक क्लास से देखिए चौथे महाविद्यालय से आज आपके सामने बी ए थर्ड ईयर में हमारा टॉपिक है वैधता की विधि या प्रकार। जब भी हम वैलिड हड्डी निकालते हैं या जब भी हम कोई नया टेस्ट बनाते हैं तो नया टेस्ट बनाने के बाद हम उसकी जो वैधता चेक करते हैं उसकी कौन कौन सी विधि है वो आज हम देखेंगे। पहला है ऑपरेशनल वैधता। ऑपरेशनल वैधता का मतलब होता है जब भी हम लोग किसी भी मतलब टेस्ट की किसी परीक्षण की वैधता जांचना चाहते हैं तो हम उसको हर एक एंगल से उसके हर एक क्वेश्चन को हर एक परीक्षण को हर एक पद को जांचते हैं हर एक शब्द को, यानी कि जितने भी पद जितने भी प्रश्न जितने भी शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए उस परीक्षण को बनाने में हम उसे उस हर शब्द को परखने की कोशिश करते हैं कि उससे वो वैधता निकल के आ रही है या नहीं जो हमें चाहिए है। नेक्स्ट है रूप वैधता। रूप वैधता का मतलब है जैसे मान के चलो अगर हम कोई टेस्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी जो हेडिंग या टॉपिक है वो पहला तो हो गया फेस उसका, ठीक है। मान लीजिए अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट बना रहे हैं या इमोशन टेस्ट बना रहे हैं या आई क्यू या फिर क्या बोलते हैं मोटिवेशन टेस्ट बना रहे हैं तो टेस्ट हम कोई भी बना रहे हो उस टेस्ट का नाम मात्र से ही ये क्लियर हो जाता है कि ये क्या चीज मापेगा, यानी कि कोई भी परीक्षण उसका जो फेस है फेस को देख के ही हम उसके अंदर की चीजों को मापने की या समझने की कोशिश करते हैं या उसे समझ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी रूप वैधता होती है उसका मतलब है किसी भी टेस्ट के नाम को उसके टाइटल को समझ करके उसके अंदर समझना कि आखिरकार वो किस चीज के बारे बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रमात्मक वैधता। आप जानते हैं जब भी कोई परीक्षण बनता है तो बिना स्टडी के तो बनता नहीं है, ऐसा कभी नहीं मैं सोचिएगा कि किसी भी टेस्ट की स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं होती है और मतलब टेस्ट बनाने के लिए और बिना स्टडी के भी टेस्ट बन सकता है, ऐसा सोचना ही गलत है। हमेशा जब भी टेस्ट बनता है तो टेस्ट को बनने के लिए सबसे पहले तो टेस्ट बनता कैसे वो समझना होता है, जिस फील्ड से जुड़े टेस्ट का निर्माण आप करना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से किसी भी जो भी आपके सामने वर्क है या जो भी टेस्ट बना रहे हैं आप उससे जुड़ी जितनी जानकारियां हैं वो आपको होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको टेस्ट के टॉपिक से जुड़ी जानकारियां नहीं होंगी, टेस्ट कैसे बनता है, क्या क्या तत्व तो उसमें चाहिए होते हैं, अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं होगी तो आप उसकी वैधता नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वैधता कभी निकलेगी ही नहीं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम की जानकारी बहुत ही जरूरी है और वो भी पूरी तरीके से। नेक्स्ट है तर्कसंगत वैधता। आप जानते हैं कोई भी परीक्षण बनता है तो उसमें जितने भी वाक्य और पद प्रयोग होते हैं वे सब तर्क के आधार पर होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि विदाउट लॉजिक कोई भी क्वेश्चन का निर्माण हो गया है। तो क्वेश्चन जब भी बनता है उसमें तर्क होता है, क्वेश्चन का जब उत्तर निकलता है तो उसमें भी तर्क होता है, तो तर्क के आधार पर ही एक वैज्ञानिक विधि या वैधता का निर्माण किया जा सकता है। अगर तर्क नहीं होगा तो आप वैधता का निर्माण कभी कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कारक वैधता। आप जानते हैं कभी कभी आप एक साथ एक ही परीक्षण से कई एरियाज को मापना चाहते हैं तो कई लोगों के जैसे मान के चलिए क्षेत्र बदल जाता है, ठीक है, और एरिया चेंज हो जाता है तो उसमें रिजल्ट सेम निकल के आए तो वैधता सही है, यानी कि कई कारकों पर आप एक ही परीक्षण उपयोग करें और वैधता वही देखने को मिले तो वो उसकी कारक वैधता कहलाती है। अगला है पूर्व कथन वैधता। आप जानते हैं आपने जो सोच करके परीक्षण बनाया है मतलब जो आपकी मतलब विजन था जो सोच करके आपने एक परीक्षण का निर्माण किया था कि आप ये चीज मेजर करना चाहते हैं और वही मेजर हो भी पाता है, वही मेजर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो पूर्व कथन किया था वैधता मापने का कि हमें इस प्रकार से ये परीक्षण बनाना है तो उसकी वैधता उसी प्रकार की निकलती है, तो इसका मतलब है पूर्व कथन वैधता उसमें है। अगला है निर्मित वैधता। निर्मित वैधता का मतलब ऑल ओवर जितना भी मटेरियल जो भी आप एक टेस्ट को बनाने में यूज कर रहे हैं, जो आप टेस्ट बना रहे हैं उसको बनाते समय, बनाने से पहले और बनाने के बाद हमेशा आप टेस्ट करते रहते हैं उसके हर एक पद, ठीक है। लास्ट है समवर्ती वैधता। समवर्ती वैधता मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपके टेस्ट से जुड़े कुछ और टेस्ट पहले बन चुके हैं तो आप उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं समझने में कि जो टेस्ट है उसमें उससे मिलता जुलता जो टेस्ट है उसमें आपके शब्दों में क्या सही चुनाव है या नहीं, ठीक है। तो आपको इसमें वैधता में अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। थैंक यू।